वेलकम गाइस, वेलकम टू डे 45 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में। और इस सीरीज में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हैं, उनके ऑप्शंस पे रिसर्च करते हैं और कैसे ये ऑप्शंस, ये पीवाईक्यू, यूपीएससी के पीवाईक्यू आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर वन कैसे पूछे जाएंगे, और अगर पूछे गए हैं और अगर आपको नहीं आते हैं तो भी आपने वो कैसे सही अटेम्प्ट करने हैं, वो अप्रोच हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन सारे लेक्चर्स में। मेनली नॉलेज इज नॉट द गेम, इट इज द अप्रोच, है ना, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 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 दीज लेक्चर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, ये पूछ रहा है राइट, ये अभी हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और गलती से साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन इसमें बीच में डल गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी 2020 का ये प्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। गुरु 8th क्लास का क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ लिया गया है। इधर प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोस वॉल वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट है, ये बात सही है। आपने नॉर्मली देखा हुआ है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होता है राइट। अगर आपको ये भी पता नहीं है स्टैंड बाय मोड बिल्कुल। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, इसे एलिमिनेट कर दो, एक ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, आंसर आ गया ना आपके पास। मैंने गुरु अपने साइंस एंड टेक के कोर्स में राइट ये क्लियरली ये बात बोली है कि हमेशा ये बात याद रखना कि रिगार्डलेस ऑफ, मतलब कोई भी सेल हो इस दुनिया में उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपकी सेल जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। वो क्यों गुरु? वो इसलिए क्योंकि मान लो अगर प्लांट सेल, ये बात सही है कि जो सेल्यूलोसिक सेल वॉल है वो काफ़ी हार्ड होती है और बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द सेल फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस वगैरह, किसी भी तरीके से आउटसाइड अगर कोई आप पे स्ट्रेस वगैरह लग गया सेल पे तो ये बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल, सेल्यूलोसिक सेल वॉल। अब आम आदमी क्या सोचेगा कि भैया अगर सेल के पास, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या जरूरत है, ऑलरेडी इतनी बढ़िया प्रोटेक्शन है। नो गुरु, दिक्कत यह है कि सेल के अंदर जो प्लाज्मा बह रहा होता है ना, प्लाज्मा बह रहा होता है उसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आप ऐसी रफ प्लांट सेल का, मतलब रफ प्लांट सेल इनफैक्ट उसे डैमेज कर देंगे अगर बीच में मेम्ब्रेन नहीं हुई तो मेम्ब्रेन हर सेल में एग्जिस्ट करेगी। ये बात इधर से हटा दो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, आगे आंसर आपके लिए, मतलब फ्यूचर में, अगेन मैं बता रहा हूँ इस बार एनडीए में इन्होंने इस साल के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है एग्जैक्टली, समझ गए। हालांकि ऑप्शन उसके कुछ डिफरेंटली फ्रेम किए गए थे। मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल इंस्टेड ऑफ मैनी वैक्यूल्स, ये बात सही है राइट कि नॉर्मली जो एनिमल सेल में अगर कहीं वैक्यूल आपको देखने को मिलेंगे तो वो बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन इसमें जो मैच्योर प्लांट सेल है उसमें सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल जो है आपको देखने को मिलेगा, और लार्ज वैक्यूल्स इसलिए होते हैं इसमें ताकि अवशिष्ट पदार्थ जो है वैक्यूल्स में स्टोर हो सके। यहाँ से एक और बात आपने जाननी है, डेफिनेटली जो प्लांट सेल्स हैं इनके पास ही सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नॉर्मली नहीं होती है, बाकी जो मिलता है आपका अमीबा वगैरह के सेल में जरूर मिलता है लेकिन दे आर नॉट एनिमल्स राइट, वो आपके प्रोटिस्टा मोनेरा वगैरह के इन सारे कैटेगरीज में आते हैं, उन्हें छोड़ो। यहाँ से एक बात और आपने उठानी है जीवन में कि एनिमल सेल्स में आपको राइट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नाम के राइट ऑर्गन, ये मतलब तीन चार चीज़ें याद रख लो। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेंगे डेफिनेटली, ये डिफरेंस नंबर वन। नंबर दो, एनिमल सेल्स में ही आपको सेंट्रियोल मिलेंगे, और सेंट्रियोल अगर वो आपको बोले सेंट्रीजोम भी तो एक ही बात होगी, सेंट्रियोल या सेंट्रीजोम सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेंगे, ये आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। इनका काम क्या होता है, मेनली सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं एनिमल्स के अंदर, ये बात याद रखना, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी वो नॉर्मली होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल मिलेगा। क्या क्लोरोफिल एनिमल में पाया जाता है? नो, प्लांट्स को चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, बिल्कुल सही बात है। और इस साल उन्होंने गुरु सीडीएस में एक क्लासिक क्वेश्चन पूछा था कि सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर डीएनए या फिर आरएनए, आरएनए प्लांट सेल के अंदर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? डेफिनेटली न्यूक्लियस में मिलेगा, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, एमटीडीएनए से जो कॉपी बनेगी वो आपकी आरएनए बनेगी, डेफिनेटली राइबोसोम में आपका आरआरएनए मिलेगा, राइबोसोमल आरएनए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। एक ऑप्शन ये भी था गुरु, आपका जो राइट जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोप्लास्ट का एक अलग से आरएनए होता है, सो क्लोरोप्लास्ट में आपको आरएनए भी मिलेगा, समझ गए?
सो ये क्लोरोप्लास्ट का ये जो आपका वहाँ पे ऑर्गेन होगा उसमें आपको आरएनए भी देखने को मिलेगा। ये कुछ हमने एनाटॉमी देख ली सेल की, बेसिक एनाटॉमी। आई होप ये तीन चार चीज़ें ही आपको सेल में याद रखनी है और यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, राइट। ये एक क्विक रिविजन है और मतलब कंप्लीट हम चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑल दो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी साइंस एंड टेक के अपने कोर्स में पूरी पढ़ाई हुई है। ये वो यहाँ फिर से वो बोल रहा है बेंजीन पोल्यूशन के बारे में, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या बेंजीन को हम, राइट, क्या बेंजीन को हम नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नेक्स के अंडर कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेंजीन पोल्यूशन को कंसिडर, राइट। और अगर कर रहे हैं तो आपने फिर ये भी बताना है कि क्या बेंजीन को CPCB मॉनिटर करता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंडर, राइट। सो इन सब चीज़ों को आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बेंजीन पोल्यूशन जो है इनमें से किन किन चीज़ों से आपको देखने को मिलेगा, राइट। देखो क्वेश्चन टू बोल रहा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, राइट। अभी इसको अप्रोच को देखते हैं, अगर आपको पता भी नहीं है कि बेंजीन कहाँ कहाँ से निकल रहा है, अप्रोच देखते हैं। यहाँ एग्जॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ स्मोक की बात हो रही है, दोनों से धुआं निकल रहा है, दोनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जल रहा है, तो अगर ये होगा तो ये भी होना चाहिए, समझ गए। क्योंकि स्मोक जो है, तंबाकू का स्मोक क्या है, कोई वुडन चीज ही तो है, तंबाकू इज ऑर्गेनिक चीज है ना, कार्बन कहीं पे जल रहा है उसके साथ कोई चीज आपको पाई जाएगी डेफिनेटली। तब अगर ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट निकलेगा इससे भी आपको बेंजीन निकलना चाहिए स्मोकी चीज है ना के साथ, तो वन एंड टू तो साथ जाना चाहिए, इसे हटा दो, इसे हटा दो, वन एंड टू साथ जाना चाहिए, राइट। आगे वुड बर्निंग आ रहा है, अब वन टू एंड थ्री साथ जाना चाहिए, समझ गए। अगर यहाँ से निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा, समझ गए बात को। वन टू एंड थ्री साथ जाना चाहिए, अभी तक चल रहा है। यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर है ना, और यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरेथेन, राइट। सो इसमें आपका जो राइट, इसमें जो आपका वुडन, ये अगेन वो अप्रोच जो हमने पिछली बार डिस्कस करी थी पिछले क्वेश्चन में, कि माइक्रोवेव्स से क्या आपको राइट, यही 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 ट्रेंड उन्होंने पूछ लिया था 2021 या फिर 2021 के क्वेश्चन में, कि भैया जो आपका मैग्नेटाइट पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। अगर माइक्रोवेव से निकल भी रहे होते हैं क्या वो पॉल्यूटेंट की है ना, पॉल्यूटेंट के आपके वहाँ से उस लेवल पे निकल रहे हैं क्या कि वो पॉल्यूशन कॉज करें। अब देखो किसी चीज़ को पॉल्यूशन बनने के लिए उसकी कंसंट्रेशन का हाई होना बहुत ज़रूरी है, इतना हाई कि वो आसपास का जो वातावरण है उसके राइट, जो आपकी एयर है एटमोसफियर है उसके कंपोजिशन को चेंज कर जाए इस लेवल तक कि वो आपको डिजीज कॉज कर सके। अगर वार्निश्ड वुडन फर्नीचर से बेंजीन का एमिशन डेफिनेटली यहाँ से होता है, बेंजीन यहाँ से निकलता है, क्योंकि जो आपके पेंट्स वगैरह होते हैं पेंट्स से भी आपका जो है बेंजीन एमिट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुरु ये जो बेंजीन को पॉल्यूशन के लेवल पे अगर वुडन फर्नीचर से वहाँ से एमिट हो रहा होता तो इंडोर पॉल्यूशन की बड़ी दिक्कत होती, इंडोर पॉल्यूशन की बड़ी दिक्कत होती, राइट। और अगर इंडोर पॉल्यूशन की बड़ी दिक्कत होती तो क्या इंडिया में ये बैन नहीं हो जाता क्या, वुडन फर्नीचर है ना, वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, क्या वार्निश करना बैन नहीं हो जाता क्या? हटा दो ये फोर स्टेटमेंट को, हटा दो फोर को, हटा दो। आंसर इज दिस, इस पे आपको जाना ही नहीं है, क्या ये पॉलीयूरेथेन वगैरह वगैरह, इस पे जाना ही नहीं है, समझ गए बात को। सो दीज आर द हिंट्स, दिस इज हाउ, ये अप्रोच हमेशा लगाना जब भी वो पॉल्यूशन पूछे तो ये वाली अप्रोच हमेशा लगाना। नेक्स्ट आता है आपका एलिफेंट्स पे, राइट। ये क्लासिक क्वेश्चन है और यहाँ से हम कुछ टाइगर पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करने वाले हैं। देखो यहाँ पूछा हुआ है, जो आपको पता हो नहीं हो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ एलिफेंट इज फीमेल, राइट। ये आपके राइट, जो जो आपकी वो शंकर IAS बुक है उसमें भी ये बात मेंशन हुई है, डेफिनेटली ये बात तो सही है, अगर नहीं भी पता है छोड़ो। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, इसे भी छोड़ो। एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन लिविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसीलिए एलिमिनेट नहीं करना है, नो। आपको बस ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए पता गुरु, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए पता। और इससे पहले आपको देखना है ऑप्शंस को, ऑप्शन बता रहा है इसमें से कोई ना कोई इनकरेक्ट जरूर है। एमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। अब देखो गुरु, एलिफेंट सेंसस आई हुई थी इसीलिए ये एनिमल के सेंसस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट सेंसस हो गया, टाइगर सेंसस हो गया, राइट, लेपर्ड सेंसस हो गया वगैरह वगैरह, ये सेंसेसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जिसको भी बेसिक सा पता है कि केरला में नहीं है
और जहां भी आपसे वो डेटा पूछे ना, समझ लेना वो स्टेटमेंट यूजुअली वो इनकरेक्ट कर, बहुत इजीली उसको उस स्टेटमेंट में डेटा को चेंज करना, राइट, उसे मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है एग्जामिनर के लिए। इसीलिए नॉर्मली वो वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग भी होती है। और ये केरला नहीं है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद आसाम आता है, उसके बाद कहीं जाके केरला वेरला आ रहा है। बस अब चार को हटा दो, चार को हटा दो, आंसर आपका आ गया 1 एंड 2, राइट। अब थ्री ओनली पे आपने जाना ही नहीं है क्योंकि हमें पता है 1 करेक्ट है ये, राइट। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स, राइट। सो इसीलिए चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करना है सिर्फ कि भैया ओनली लगा है तो एलिमिनेट कर दो, नो नो नो, दैट इज़ अ फॉल्स अप्रोच, राइट। ये आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़ की नॉलेज आपको आंसर के करीब ले जाएगी। यहाँ से हमें गुरु इस साल जो है टाइगर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर सेंसस जो कि NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जारी की हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो है रिकॉर्ड लेवल ऑफ इंक्रीज हुई है टाइगर के। टाइगर पॉपुलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु जो हमारे TX2 टारगेट्स थे, डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022, जो कि हमारे राइट 2000 है ना 12 में, ये जो है ना जो अपना एक डिक्लेरेशन आई थी, राइट, आपके सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन फॉर टाइगर पॉपुलेशन, उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जो ये टारगेट्स हमने अचीव किए थे वो 2022 के डेडलाइन भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारी व्लादिवोस्तोक, राइट, व्लादिवोस्तोक एक नई कॉन्फ्रेंस हुई टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। सो इसलिए टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से इस साल वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपने ये बात याद रखनी है कि इंडिया में डेफिनेटली जो दुनिया का सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, अराउंड 70% वो इंडिया में रह रहा है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जिस टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन है वो है आपके राइट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आप मुझे बताएंगे ये कौन से स्टेट में है, राइट, राजा जी कौन से स्टेट में है, राइट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेंड याद रखना गुरु, जो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप है और गंगा, शिवालिक हिल्स या गैंगेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप मतलब आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन गुरु इंपॉर्टेंट बात ये कुछ नेशनल पार्क याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लोकली एक्सटिंक्ट हो गया है टाइगर कुछ एक नेशनल पार्क, जैसे श्री वेंकटेश्वरा ये आपके आंध्र प्रदेश में है, जैसे कवल टाइगर रिजर्व कहीं यहाँ मेंशन होगा, यस, कवल टाइगर रिजर्व ये आपके बिल्कुल आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर आके आप अगर तेलंगाना में एंटर करेंगे वहाँ आपको कवल टाइगर रिजर्व मिलेगा। आप मुझे बताएंगे सतकोशिया गॉर्ज कौन सी नदी फॉर्म करती है, और जो सह्याद्री आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, इन चार एरियाज में टाइगर पॉपुलेशन का डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट इन द स्टेट्स लाइक ओडिशा, इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, इन द स्टेट्स लाइक तेलंगाना, इन स्टेट्स में जो है टाइगर पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखने को मिला है। ये ट्रेंड हमेशा आपने याद रखना है, यहाँ से वो क्वेश्चन आपको बनाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात इसी स्लाइड में जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है, फिफ्थ मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन, आपसे इस पे भी क्वेश्चन वो पूछेगा, राइट। ये मैनेजमेंट इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स जो है ये इंडिया में कौन पब्लिश करता है, NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी इवेल्युएशन होती है जिसमें टाइगर रिजर्व्स को इवेल्युएट किया जाता है और उसको स्कोर दिया जाता है कि हाँ कितना है आपका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, और उस हिसाब से इनकी रैंकिंग दी जाती है, समझ गए। सो एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस को, इफेक्टिवनेस ऑफ टाइगर प्रोटेक्शन, इसे इवेल्युएट किया जाता है इस मैकेनिज्म के अंडर। ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है गुरु, आई होप ये जो राइट आगे आते हैं जरा थोड़ा कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में जो सेलोन फ्रॉग मॉथ वगैरह है, कॉपर है ना, स्मिथ बारबेट है ना, एंड वाइट चिंड, ग्रे चिंड, वाइट थ्रोटेड, ये क्या चीज़ें हैं, नाम से पता चल रहा है ये बर्ड्स हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें कि क्या होगा क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ बर्ड है, क्योंकि आपने राइट फॉर एग्जाम्पल देर इज ब्लैक नेकड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड हो गया, वाइट चीक्ड हो गया, एंड योर है ना फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नेक्ड, लॉन्ग बिल्ड, ये इस तरीके के जो नाम होते हैं ये बर्ड से नॉर्मली आपके एसोसिएटेड करते हैं, राइट। सो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, एंड हाँ ये कंसिडर करना अगर जो है आपको लगता है कि मतलब ये लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू एड कर पा रहे होंगे, सो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब कोई अगर इसमें गलत चीज़ डिस्कस हुई हो तो वो ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, डू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड एज ऑलवेज।